अमेरिका ने इसराइल पर ईरान द्वारा छोड़े गए 80 से अधिक ड्रोन और कम से कम 6 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया है। पेंटागन ने रविवार को यह जानकारी दी। अमेरिका सेंट्रल कमांड ने बताया कि इसमें एक बैलिस्टिक मिसाइल और यमन हूती नियंत्रित इलाकों को नष्ट किए गए 7 मानव रहित यान या ड्रोन शामिल है जिन्हें छोड़ने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। ईरान ने इसराइल पर 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसे तेहरान ने सीरिया में ईरान के दूतावास पर 1 अप्रैल को किए गए उसके हमले की प्रतिक्रिया बताया है। ईरान ने लगभग सभी ड्रोन और मिसाइलों को इसराइल, अमेरिकी और सहयोगी सेनाओं के लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हवा में ही मार गिराया गया। एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि शनिवार और रविवार सुबह अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 80 ड्रोन और कम से कम 6 बैलिस्टिक मिसाइलें मार गिराई हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ईरान ने अब इन खतरनाक कृत्यों के खिलाफ इसराइल की रक्षा में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे, ऐसा अमेरिका ने कहा है। G7 देशों के नेताओं ने इसराइल के खिलाफ ईरान के सीधे और अप्रत्याशित हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए रविवार को कहा कि इस घटनाक्रम के कारण क्षेत्र में अनियंत्रित तनाव बढ़ने का खतरा है। इसराइल ने इस हमले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन बताया है और ईरान पर क्षेत्र और स्थिरता को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया है। वहीं ईरान ने कहा कि उसने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए यह अभियान शुरू किया है।